55 शाहबाद नवाब काइट क्लब में आप सभी का स्वागत है। हमारा क्लब संपूर्ण भारत वर्ष के सभी पतंग के शौकीन मेंबर्स को आमंत्रित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। किसी भी परिस्थिति में धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। अनूप महाराज जिला हरदोई के ग्राम जौहाना में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तिथि दिवस में असलापुर धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य अनूप ठाकुर जी महाराज ने कहा कि ये पुराण कोई साधारण नहीं बल्कि साक्षात भगवान का स्वरूप है। मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को निश्चित ही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए और दूसरों को इस कथा को सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें अपने धर्म मार्ग से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप धर्म मार्ग पर हैं तो परमात्मा निश्चित ही आप पर कृपा करेंगे और आपका कल्याण होगा। इसी के साथ अनूप ठाकुर जी ने जड़ भरत चरित्र की कथा सुनाई, जिसमें कि हिरण में आसक्ति होने के कारण भरत जी को हिरण योनि में जाना पड़ा। उसके बाद राजा रघुगढ़ को दूसरे जन्म में उपदेश दिया और 28 प्रकार का नरकों का वर्णन करते हुए बताया। व्यास अनु महाराज ने प्रवचन देते हुए कहा कि जो जस करहीं सो तस फल चाखा, जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद में अजामिल का वर्णन करते हुए कहा कि मनुष्य ज्ञान होते हुए भी अपने मार्ग से भटक सकता है। जिस प्रकार से अजामिल बहुत बड़ा विद्वान और ब्राह्मण होते हुए भी अपने मार्ग से भटक गया और वैश्याओं का साथ किया, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करने से उसका उद्धार हुआ। उन्होंने प्रहलाद चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों का मान रखने के लिए, भक्तों की बात को सत्य करने के लिए कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए नरसिंह भगवान खंभे में से प्रकट हुए और प्रहलाद को आशीर्वाद देते हुए हिरण्यकश्यप को सदाति प्रदान की। और इस मौके पर परीक्षित मुन्ना सिंह भदौरिया, मुन्नू सिंह, रंजीत सिंह, फौजी शिवम सिंह, श्याम सिंह, धनवीर सिंह, धनपाल सिंह, वंशी सक्सेना, भूरे सक्सेना, हरिओम राजपूत, इश्तियाक नईम, इश्फाक अली आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हरदोई से सर्वजीत कुमार की खास रिपोर्ट।